बना है शॉप, और वो शॉप कार्तिक ने दिया है सबको। कार्तिक हमारे घर पास भी कोई आ जाती है और कार्तिक को ढूंढते हैं, और उनसे हमें पता चलता है कि कार्तिक की बहन है और कार्तिक की पूरी फैमिली भी है। क्योंकि कुछ टाइम पहले ही जब पापा कार्तिक से पूछ रहे हैं कार्तिक की फैमिली के बारे में, कार्तिक साफ मना कर देते हैं, कार्तिक कहते हैं कि कोई फैमिली नहीं है। और मुझे तब अजीब सा लगता है कि मैं सोचती हूँ मैं कार्तिक से बात करूँगी, लेकिन कार्तिक फैमिली का नाम सुनते ही बहुत एकदम अपसेट से हो जाता है कि मैं नहीं चाहती कार्तिक का मूड मिलो, और वो भी इतना अपसेट है कि छूटो और उसे कोशिश करते फोन करने की कोशिश करते फिर मैं नहीं करती मेरा फोन टूट चुका होता है। What happens is कि this is my sister, Novina Singh. Mo and Mo. Mo Mo. और हम लोग कार्तिक कृति भी है। तो ये मैडम सिंगानिया के घर में आ जाती है, पहले महेश्वरी से आती है, बिकॉज फाइनली कायरा मिलन हो चुका है। 33 ड्रीम सीक्वेंसेस एंड अ लॉट ऑफ फाइट्स, लॉट ऑफ झगड़ा फ्रॉम ऋषिकेश टू उदयपुर टू स्विट्जरलैंड टू बैक टू उदयपुर, फाइनली द मिलन इज हैपेंड। एंड नेक्स्ट डे जो इसके घर पे आता है और मैडम वहाँ से कार्तिक मस्ती कर रहे हैं कि अब मिलन हो चुका है और हम कार्तिक से जो है अबाउट कार्तिक फैमिली के महेश्वरी सिंगानिया ने सबको बताया, बट कार्तिक को अनाथ है कि क्या है क्या बता है, तो पूछते हैं फैमिली को बताओ एंड देन ऑब्वियसली मैं आती हूँ टू द रेस्क्यू टू से कि नहीं भाई अनाथ नहीं है, इसकी फैमिली है यू नो, और तुम अच्छे घर में एंट्री करोगी बहुत जल्द। माई सिस्टर एंटर्स, माई चाचा चाची एंटर्स, बिकॉज जब ये मैडम सर्जरी पहुँच चुकी है तो वी रियलाइज कि सब उल्टा हो सकता है, पीपल दे नो एंड आई डोंट वांट देम टू नो नाउ, सो आई टेक माई अंकल एंड आंट, मेरी चाचा चाची की एंट्री हो रही है साथ में, एंड हम पूरी फैमिली आती है और वहाँ पर दे आस्क अबाउट माई फादर, बिकॉज आई थिंक गोयनकास का नाम पता चल गया हमें, एंड दे गेट टू नो कार्तिक जो है वो मनीष गोयनका के बेटे हैं, बहुत बड़े शिकारी थे जो बहुत बिजनेसमैन के बेटे हैं। फिर बेसिकली यू नो ये बहुत मायूस होते हैं, इनको सपोर्ट देने उनकी फैमिली फाइनली आ जाती है। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड अबाउट कार्तिक के यू नो क्या है कैसा है, हम अपनी बेटी को कैसे ट्रस्ट करके आपको दे दें यू नो, जो आपके फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं जानते हैं, बट नाउ दैट धीरे धीरे इनकी फैमिली को नायरा की फैमिली को पता चल रहा है कि अच्छा यू नो ये बहुत नामी बेटे के लड़के हैं और बड़ी बड़ी हाँ ये तो बड़ी मालदार पार्टी है, तो सब बड़े खुश हो रहे हैं। नहीं बट एवरीबडी थोड़ा यू नो रिलीफ आया है, लेकिन अभी जो डिफरेंसेस हैं वो बताया नहीं है अभी, ही स्टिल नॉट हैप्पी, तो उसको अपने पैरों पे हमेशा खड़े रहना था, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ही सर कि मैं आई ऑलवेज बी ट्रूथफुल और मैं झूठ नहीं बोलूँगा कभी किसी से, और लड़की को बड़े सुशील तरीके से ले जाऊँगा। But still, you know, it was a very sweet gesture. They knew about me not being rich. Yeah. Right? Yeah. How do you want to be the bride? Basically, क्या हुआ ना, उन्होंने नायरा के पापा ने बोला कि इनका इंटरव्यू लिया था, आई थिंक ये कभी इन्होंने नहीं दिखाया कि यू नो मैं बहुत पता नहीं लगने दिया कि ये किसके बेटे हैं, बेटे हैं करेक्ट, ये स्टिल बट स्टिल सिंगानिया इज अग्रीड, क्योंकि इन्हें कार्तिक पसंद है, कार्तिक के आगे क्या है गोयनका है कुछ और है, उससे सिंगानिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक अच्छा इंसान होना चाहिए, उनकी बेटी को जो हमेशा खुश रहे और जो उन्हें बचपन से कार्तिक ने देता है, इसलिए वो अपनी बेटी का हाथ कार्तिक के हाथ में देने के लिए राजी हुआ।